हेलो फ्रेंड्स। रूफस क्या है आज हम आपको बता रहे हैं। रूफस से विंडो, कोई भी विंडो फाइल होता है ना, यूएसबी ड्राइवर बनाने में काम आता है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए गूगल पे है, टाइप कीजिए रूफस, और ये फर्स्ट लिंक जो ऊपर वाला है ना, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके जाइए, यहाँ पे रूफस 3.19 1.3 MB का ये फाइल है, इसको क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कीजिए। बस इसमें राइट क्लिक करके फाइल रन एज एडमिनिस्टर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपका ये ऊपर में जो ये है, इसमें यूएसबी ड्राइवर सेलेक्ट हो गया है ऑटोमेटिक। अब आपके आपके लैपटॉप में अगर यूएसबी ड्राइवर लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। यहाँ से सेलेक्ट कीजिए फाइल, कोई भी आईएसओ फाइल सेलेक्ट, यहाँ पे आपका कोई सा भी आईएसओ फाइल, यानी विंडो 10, विंडो 7, 8, कोई भी, यहाँ आप अपने कंप्यूटर में जा करके विंडो 10 का ये है आईएसओ फाइल, आईएसओ फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। यहाँ लेग पूरा ये आईएसओ फाइल है, यहाँ सेलेक्ट हो गया। ये पार्टीशन स्कैम है, इसको ओपन करके MBR सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसमें यूएसबी लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऊपर जो है ना, ये देखिए, ये 7 पॉइंट यानी 8 GB का यूएसबी लगा हुआ है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ले लेता है ये। और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके आईएसओ विंडो आईएसओ फाइल यहाँ सेलेक्ट हो गई, इसमें सेलेक्ट हो गया विंडो आईएसओ फाइल, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन सेलेक्ट करके MBR करके उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहा है, यूएसबी को ये फॉर्मेट करके वो इंस्टॉल करेगा, ये ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से वो स्टार्ट हो गया, या बूटेबल पेन ड्राइव बना देगा ये, ठीक है। बस ऐसे ये रूफस का यूज़ किया जाता है, ठीक है।